दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अभिनेता हमेशा किसी न किसी बात को लेकर आपस में लड़ बैठते हैं, चाहे इतनी बुरी तरीके से लड़ाई करते हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना तो दूर की बात, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए जब भी वो आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाकर उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उन अभिनेताओं में से कुछ ऐसे अभिनेता भी हैं जो इंडस्ट्री में एक दूसरे के दोस्त और कभी भी लड़ाई नहीं कर चुके हैं, लेकिन वो एक अभिनेत्री को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर चुके हैं। तो इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको उन अभिनेताओं से रूबरू करवाने वाले हैं जो अभिनेत्री को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए उन अभिनेताओं से रूबरू होते हैं। नंबर वन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार। इस लिस्ट में अगर सबसे नंबर वन पर बात करें तो वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र और संजीव कुमार है, जिन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी को पाने के लिए आपस में लड़ाई की थी। आपको बता दें, साल 1975 में आई फिल्म शोले में दोनों एक साथ अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ अभिनय करते नजर आए थे, जिस दौरान इन दोनों को अभिनेत्री हेमा मालिनी काफी ज्यादा पसंद आई थी। मगर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली, जिस वजह से संजीव कुमार इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो तो इनका नाम भी सुनना नहीं चाहते। नंबर टू, अजय देवगन और अभिषेक बच्चन। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिंघम कहे जाने वाले अभिनेता अजय देवगन और अभिषेक बच्चन का नाम इस लिस्ट में शुमार होता है, जो अभिनेत्री करिश्मा कपूर को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दे, एक्टर अजय देवगन करिश्मा कपूर को काफी ज्यादा पसंद करते थे, मगर अभिनेत्री करिश्मा कपूर अभिषेक बच्चन को काफी पसंद करती थी, जिस वजह से इन्होंने सगाई भी कर ली। इसी वजह से अजय देवगन अभिषेक बच्चन के साथ लड़ाई कर बैठे हैं। और आपको बता दें, बाद में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई टूट गई थी, जिस वजह से आज भी अजय देवगन और अभिषेक बच्चन के बीच में काफी दूरियां देखने को मिलती हैं। नंबर थ्री, मिथुन चक्रवर्ती और बोनी कपूर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में डिस्को डांसर कहे जाने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और प्रोड्यूसर बोनी कपूर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार होता है, जो अभिनेत्री श्रीदेवी को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें, इसके पीछे की वजह ये थी कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने साल 1989 में आई फिल्म गुरु में एक साथ काम किया था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे के बेहद ही ज्यादा करीब आ गए। मगर अभिनेत्री श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली, जिस वजह से मिथुन चक्रवर्ती बोनी कपूर से नफरत करने लगे थे, जो आज भी इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। नंबर फोर, अक्षय कुमार और नाना पाटेकर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले एक्टर अक्षय कुमार और नाना पाटेकर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार होता है, जो 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री आशा जुलका को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर चुकी हैं। जी हाँ, आपको बता दे, इसके पीछे की वजह ये थी कि अभिनेत्री आशा जुलका नाना पाटेकर को काफी ज्यादा पसंद करती थी, जो एक दूसरे को काफी सालों तक डेट भी कर चुके हैं। मगर आपको बता दें, एक्टर अक्षय कुमार भी आशा जुलका को काफी ज्यादा पसंद करते थे। इसी वजह से जब इन्हें पता चला कि ये नाना पाटेकर को काफी पसंद करती हैं, तो इनसे दूर हो गए, जिस कारण ये एक्टर नाना पाटेकर से नफरत करने लगे और इन्हें काफी भला बुरा भी कहने लगे थे। नंबर फाइव, सलमान खान और विवेक ओबेरॉय। बॉलीवुड इंडस्ट्री में दबंग खान कहे जाने वाले अभिनेता सलमान खान और एक्टर विवेक ओबेरॉय का नाम भी इस लिस्ट में शुमार होता है, जो अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें, फिल्म हम दिल दे चुके सनम में फिल्म के एक्टर सलमान खान और ऐश्वर्या राय एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे। साथ ही साल 2004 में आई फिल्म क्यों हो गया ना में एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय नजर आई थी, जिस वजह से ये दोनों करीब आ गए। इसी वजह से इन दोनों अभिनेताओं के बीच में लड़ाई हो गई थी। जी हाँ, आपको बता दे, ये दोनों ऐश्वर्या राय को पाने के लिए एक दूसरे से जमकर लड़ाई कर चुके हैं, जो आज भी एक दूसरे को फूटी आग नहीं भाते। नंबर सिक्स, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में जंपिंग जैक कहे जाने वाले अभिनेता जितेंद्र और अपने डायलॉग से फेमस हुए अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का नाम शुमार होता है, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अपनी एक से बढ़कर एक कई फिल्में दी। मगर ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, मगर अभिनेत्री जयप्रदा को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर चुके हैं। जी हाँ, अभिनेत्री जयप्रदा जितेंद्र को काफी ज्यादा पसंद करती थी, जिसके चलते इन्होंने इनके साथ कई सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इसी वजह से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अपने दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ये तो उनसे नफरत करने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेताओं के बारे में जानकर क्या कहना है, जिन्होंने एक अभिनेत्री को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई की थी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।